जब जब देश में नफरत का बाजार लगता रहेगा तब तक कांग्रेस मोहब्बत की दुकान सजाती रहेगी। यह कहना था कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा का, और मौका था सभी धर्म के धर्म गुरुओं को एक मंच पर लाकर शहरवासियों को प्रेम और आपसी सौहार्द का संदेश देना। कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों ने देश में बढ़ती नफरत और हिंसा को खत्म करने के लिए आपसी सौहार्द और प्रेम भाव का संदेश दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर लोगों को प्रेम और मोहब्बत का संदेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि कुछ विघटनकारी ताकतों द्वारा देश में नफरत फैलाई जा रही है और इस नफरत को मोहब्बत से जीता जा सकता है। वहीं कांग्रेस का यह प्रयास है कि इस नफरत को खत्म कर देश को एक बार फिर जोड़ने का कार्य करे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मोहब्बत की दुकान आपने सजाई। देखिए, आज समूचे भारतवर्ष में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है, ऐसी तमाम खबरें आती हैं और देखने में भी आती है। ऐसा नफरत का बाजार पहले कभी नहीं था। उस नफरत के बाजार को समाप्त करने के लिए, मोहब्बत बरसाने के लिए राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान लगाई थी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की। हम लोगों ने उस संदेश को, उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज सिविक सेंटर में मोहब्बत की दुकान लगाई है। यहाँ पर तमाम धर्म के प्रमुख हमारे गुरुजनों के सानिध्य में ये दुकान लगाई, और इस दुकान में सभी धर्मों के प्रतीक यहाँ पर हम लोगों ने सजाए हैं और एक संदेश देना चाहते हैं उन बाजार चलाने वाले लोगों को कि ये नफरत का बाजार कांग्रेस के रहते हुए नहीं चलेगा। आपके नफरत के बाजार में उस नफरत को खत्म करने के लिए हम लोग मोहब्बत की दुकानें लगाएंगे।